नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब आप सबों को। सबसे पहले आज जनसेवा के क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं और कई लोगों के सवाल मैंने रिप्लाई भी किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लीगल नोटिस आया तो क्या होगा? भाई साहब, लीगल नोटिस आया तो आपके पास लीगल नोटिस किस तरह का आ रहा है? बैंक का आ रहा है या रिकवरी सेल का आ रहा है? तो ये बड़ी बात है। इसके बाद बैंक ने अगर भेजा है तो आपका लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, ये बड़ा मैटर है। इसके बाद अगर अनसिक्योर्ड है तो कोई बात नहीं भाई साहब, सिक्योर्ड है तो एक बार जरा नोटिस पढ़ो क्या है उसमें और फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे पिंग करो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट लोन पे। तो भाई साहब, स्टूडेंट लोन तो ऑलरेडी मैं जितना समझता हूँ कि वो गवर्नमेंट के एक योजना के अंतर्गत आती है, तो वो एक नॉन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन में ही माना जाएगा उसे। स्टूडेंट तो खुद स्टूडेंट है भाई साहब, वो तो बच्चा है खुद, वो पढ़ने लिखने वाला किसी तरह के स्टडीज कर रहा है, तो उसमें बैंक कैसे आपसे कुछ रिकवर कर सकता है? वो पढ़ने के टर्म में अगर है, अगर पढ़ के जॉब में चला गया है फिर जॉब में तो उसकी सैलरी अटैच होगी किसी ना किसी कंपनी से, किसी ना किसी जो विभाग में वो होगा, जिस भी कंपनी में होगा, जिस भी दफ्तर में होगा तो सैलरी अटैच होगी। अगर वो पढ़ाई में अंडर स्टडीज है तो वो लोन एनपीए हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। स्टूडेंट का लोन ऑब्वियस सी बात है कि अनसिक्योर्ड लोन होना है क्योंकि वो तो उसके पढ़ने के लिए दी जाती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं जो हमारे पास आया है। वो क्वेश्चन है भाई साहब कि आपका लोन है बैंक से बिजनेस लोन, आपने 3 किस्तें नहीं दी तो अब क्या होगा? भाई साहब, 3 किस्तें नहीं दी, अकाउंट एनपीए में जाएगा 93 डेज के बाद। 93 डेज के बाद जब एनपीए में जाएगा तो बैंक एनपीए की प्रोसेस स्टार्ट करेगी, आपको नोटिस भेजेगी। अब यही तो नोटिस वाली बात है कि आपके पास बैंक का जब नोटिस आता है तो आपको देखना है वो नोटिस में क्या मेंशनड है, किस तरह के ऑफेंस या किस तरह की बातें उसमें मेंशन की गई है। या यूजुअली नोटिस जो आती है बैंक की तरफ से वो 2 तरह की नोटिस आती है, एक बैंक ब्रांच जिस ब्रांच से बोरोअर का लोन होता है उस ब्रांच से खुद ब्रांच के पैड पे आपके पास नोटिस आता है फॉर द रीपेमेंट, आपका ये ईएमआई ड्यूज है, इतने रुपए का आउटस्टैंडिंग हो गया, 8,000 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए 3 महीने के हो गए, आपका ये 24,000 आउटस्टैंडिंग चल रहा है, आप उसे पेमेंट कीजिए। एक तो बैंक के लेटर पैड पे आता है, लेटर हेड पे आता है, तो वो 1-2 बार आएगा आपके पास, तीसरी बार भी आएगा इसके बाद का प्रोसेस। इन केस अगर वो नहीं आ रहा है आपके पास डायरेक्ट लीगल एडवोकेट की तरफ से आपके पास लीगल नोटिस आ रहा है तो फिर वो एक अलग मैटर है। फिर उसमें मैटर क्या है आपको पढ़ना होगा, आपका लोन कैसा है, अनसिक्योर्ड है सिक्योर्ड है, ये मैटर करता है। अगर आपका सिक्योर्ड लोन है तो सिक्योर्ड लोन के अकॉर्डिंग उस नोटिस में क्या मेंशन किया गया है। अनसिक्योर्ड लोन है भाई साहब तो उसके बहुत लंबे प्रोसेस है, बहुत लंबा कार्रवाई है, बहुत लंबा झमेला है, ना बैंक के लिए आसान है ना आपके लिए, तो चलिए जो भी है बैंक के लिए भी इतना ईजी नहीं होता है अनसिक्योर्ड लोन के लिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अगला सवाल जो है वो है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। जिनका भी क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट द मॉर्गेज है, अगर आपने कोई एफडी किया, एलआईसी बॉन्ड दिया या एक फिक्स डिपॉजिट किया आपने और वो आपको उसके बदले बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड 80,000 90,000 1,00,000 2,00,000 जितने का भी दे रखा है, उस क्रेडिट कार्ड का क्या होगा अगर आपने पेमेंट्स मिस किए हैं? तो भाई साहब, 3 पेमेंट्स अगर आपने मिस किए हैं तो थोड़ी सी बात है, अगर 1-2 पेमेंट्स आपने मिस किए हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपके क्रेडिट कार्ड पे पेनाल्टीज जो बैंक्स लगाती है वो लगाएगी, इंटरेस्ट चार्जेबल होंगे। लेकिन आपने अगर 3, 4, 5 अगर आपने मिस कर दिया है, मॉरेटोरियम नहीं मिला था आपको, तो फिर हो सकता है कि वो सिंपली है उनके पास वो सिक्योर्ड है एक तरह का ना उनका क्रेडिट कार्ड। यूजुअली क्रेडिट कार्ड तो अनसिक्योर्ड लोन होता है, लेकिन वो तो लोन आपका जो सिक्योर्ड लोन होगा, सॉरी सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको मॉर्गेज में दे रखा है अपना फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड, या आपने कुछ उनके यहाँ एक जमा दे रखा है किसी भी तरह से, तो वो आपका जो डिपॉजिट है उनके पास, आपका बॉन्ड है या फिर आपका एफडी है या जो कुछ भी आपने उसके अगेंस्ट में जो बैंक ने इशू किया था आपको क्रेडिट कार्ड, वो ऑब्वियस सी बात है कि उसे वो जब्त करेंगे और उससे वो अपना रिकवरी करेंगे और वो रिकवर हो जाएगा अगर उनका अमाउंट तो ठीक है, नहीं तो जो जितना भी उन्होंने दे रखा है, ऑब्वियसली जितना आपने लिया है या आपको दिया है बैंक ने वो उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही होगा जितना आपने फिक्स किया होगा। अगर 1,00,000 रुपए फिक्स किए हैं तो 80,000 90,000 रुपए बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया होगा लिमिट के साथ,
तो जो भी उनका लिमिट होगा उससे उनकी रिकवरी हो जाएगी, आपका लोन वहीं पे क्रेडिट कार्ड जो है सेटल हो जाता है। अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, महीने हो गए उन्होंने रिकवर नहीं किया और आपने पेमेंट नहीं किया है, 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए हो गए, फिर आपका तो वो ऑब्वियसली फिक्स डिपॉजिट जो है वो जब्त होना ही होना है। रेस्ट ऑफ ऑल जो है वो आउटस्टैंडिंग, आपके सिविल पे आउटस्टैंडिंग चढ़ा रहेगा और आपको रिकवरी के लिए फोन आएंगे, आपके पास प्रोसेस चलती रहेगी। इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने ECS लगवाया था किसी पेमेंट के, क्रेडिट कार्ड का हो, किसी फाइनेंस कंपनी का हो, NBFC का हो, तो आपने अगर ECS लगवाया था वो अगर बाउंस होता है तो फिर वो आपको क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा और क्रिमिनल ऑफेंस में आप पे वो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पहले रिकवरी के लिए फोन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस में 2-4 बार लोग आएंगे आपके पास, टच करेंगे, आपको फोन करेंगे। इसके बाद अगर आपका वो सॉल्यूशन उनको उससे नहीं मिल पाता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको आगे की जो ऑफेंस उसमें काउंटेबल है ECS, क्योंकि ECS जो होता है वो एज ए चेक होता है, तो वो एक तरह का, तो आपका अगर बाउंस होता है तो ECS का जो बाउंसिंग है वो प्रोसीडिंग एज पर चेक बाउंस के प्रोसेस में चलती है, तो कार्रवाई स्टार्ट होगी। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए आज जवाब। तो आपके पास और भी कोई सवाल है, कोई तकलीफ हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए। ये टोटली हम लोग आपको जानकारी हम लोग आपको इसलिए दे रहे हैं कि COVID-19 पैंडेमिक ने अफेक्ट किया है लोगों को, तो लोगों को मदद की आवश्यकता है। हमारे पास लोगों के कमेंट्स आते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि आपको जो भी जानकारी मिल सकती है दी जा सकती है, जिससे आपकी कोई सहायता मदद हो सके हमारे तरफ से, हम लोग जरूर दें। और जानकारी ही बचाव है, ये तो पुरानी बात है, आप जानते ही हैं, तो जानकारी आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी, चिंता बनी रहेगी। अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे वीडियो से मदद मिलती है, सहायता मिलती है, तो दूसरों की भी सहायता करें, वीडियो को शेयर कर दें, लिंक को शेयर कर दें लोगों को, जिनको जरूरत हो बस उनको ही भेजें और लोगों को बताएं चैनल पे आने के लिए। आपको पसंद आता है अगर ये वीडियो तो जरूर लाइक कर दें, नहीं आता है तो डिसलाइक कर दें, जो भी आपको पसंद हो, जैसा भी हो वैसा कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, थैंक यू।